इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ये कूल त्रिएंगल लोगो और डिज़ाइन हम अडोबी इलस्ट्रेटर में कैसे क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजी वे में। तो हम इसको अभी बहुत सिंपल वे में बनाएंगे। तो चलिए जंप करते इसको साइड में रख के। सबसे पहले हम यहाँ से लाइन टूल लेके यहाँ से ब्लैक कलर चूज करके एक लाइन क्रिएट करते दोस्तों। स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह। इस लाइन को हम तीन कॉपी बनाएंगे। ऑल के साथ इसको एक कॉपी, एंड कंट्रोल डी के साथ सेम कॉपी। अभी हमारे पास तीन कॉपियाँ हैं। इस कॉपियों को हम सेलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट में से ग्रुप बनाने के बाद इसको हम यहाँ से रोटेट टूल लेके कहीं भी ऑल के साथ क्लिक करते हैं। तो 120 में इसको एक कॉपी लेते हैं। 120 डिग्री पे एक कॉपी हमने लिया। अभी इस कॉपी को हम यहाँ पे अलाइन करते हैं। इसका एग्जैक्टली ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के साथ इनर कॉर्नर यहाँ पे। एंड फिर से हम इस शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से रोटेट टूल कहीं भी ऑल क्लिक। इसको हम इस बार -120 पे डिग्री पे रोटेट करते हैं। कॉपी लेके कुछ इस तरह। अभी इसको भी एग्जैक्टली हम यहाँ पे अलाइन करते हैं। ये पॉइंट को ऐसा अलाइन कर देते हैं दोस्तों। ओके, अलाइन करने के बाद ये सब शेप को हमने सेलेक्ट करके अभी यहाँ से हम एक कलर चूज करते। कलर चूज करने से पहले हम यहाँ से शेप बिल्डर टूल में जाके अभी ये कलर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शेप बिल्डर टूल में से अभी इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इसको ऑल द वे यहाँ पे लेके आते एंड ऊपर लेके जाते। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम करते क्या है दोस्तों। ओके, इस पार्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको भी यहाँ पे मर्ज करते एंड ये पार्ट को यहाँ से हम ऐसा ज्वाइन करते इस तरह। तो बेसिकली ये शेप बन चुका है दोस्तों। ये जो बाकी का शेप है इसको हम ऑल को दबाएंगे तो इसको माइनस कर सकते हैं। अनवांटेड पॉइंट है जो हमें नहीं चाहिए। इस पॉइंट को हम यहाँ से डिलीट करते कुछ इस तरह। अभी हमारे पास ये शेप आया। तो इस शेप को हम यहाँ से फिलहाल इस तीनों को हम सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे दोस्तों। ये जो टॉप का कॉर्नर है इसको सिलेक्ट करके ऑल द वे नीचे लेके आएंगे। फिर इस एंकर पॉइंट को फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस ये पॉइंट को भी हम राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ छोटा मोटा है तो इसको हम डिलीट बनाते हैं दोस्तों। अभी देखिए हमारे पास क्लियर शेप है। इस शेप को हम तो सबसे पहले जो स्ट्रोक है उसको हम ख़त्म करेंगे। होनी चाहिए स्ट्रोक। ओके, स्ट्रोक को ख़त्म किया। तो एक पॉइंट स्ट्रोक मैं रखना चाहता हूँ। एक पॉइंट स्ट्रोक रखने के बाद हम यहाँ से ग्रेडियंट में जाएंगे। ग्रेडियंट में अभी स्ट्रोक पे मैं यहाँ से एक ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ अभी के लिए। बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये टॉप का शेप मैं लेके ये ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। सॉरी इसका। ओके, अभी ये ग्रेडियंट हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये शेप को सिलेक्ट करके यही ग्रेडियंट अप्लाई करते दोनों शेपों पे। तो बेसिकली अभी हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते यहाँ से अनग्रुप। ओके, ये शेप को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से
ये जो ग्रेडियंट है इसको कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे, कुछ इस तरह। अभी इस पार्ट को भी सिलेक्ट करके हम एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, कुछ इस तरह। अभी इसके लिए हम ये इसको सिलेक्ट करके सिर्फ ये जो वाइट पॉट है इस पे हम कलर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं ये कलर अप्लाई कर देता हूँ। फिर हम इसमें जाएंगे, इसके लिए शायद ये कलर ठीक रहेगा, थोड़ा ब्लैक। ओके, फिर इस पे जाके हम यहाँ से ये कलर अप्लाई करते हैं। कलर अप्लाई करने के बाद अभी देखिए दोस्तों, शेप ऑलरेडी तैयार है। इस शेप को मैं थोड़ा सिलेक्ट करके यहाँ से जो स्ट्रोक कलर में आता हूँ, स्ट्रोक कलर पे एक साइड में मैंने वाइट कलर लिया है, दूसरे साइड में मैं ये कलर लेता हूँ वाइट इन इस ब्लू के कॉम्बिनेशन से। देखते हैं कि स्ट्रोक अभी बिल्कुल जिस पार्ट में हाइलाइटेड है और किस पार्ट में बिल्कुल डार्क है, तो हमें ऐसा स्ट्रोक चाहिए। अभी ये लोगो ऑलमोस्ट तैयार है दोस्तों, तो इस लोगो को हम यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, एडिट में से कॉपी, इसको फोटोशॉप में लेके आते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैं इसको फोटोशॉप में थोड़ा मॉकअप किया है, इसको थोड़ा शेडो दिया है, तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है दोस्तों। यहाँ से हमने एक लेयर लिया है, ये एक सिंपल ब्रश से हमने ये शेडो बनाया है दोस्तों। ये शेडो इसको खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ किया दोस्तों। तो होप यू लाइक समथिंग, होप यू लर्न समथिंग इस ट्यूटोरियल से। अगर आपने कुछ सीखा होगा तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इससे कुछ सीखें। तब तक के लिए बाय बाय, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।